Ay. Uy, uy. आज उठ के बैठ, आज अपने भी उड़ना है। से हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू मी, गुड मॉर्निंग टू मी। ओए ओए, आप भी उठ गए हो? ये मेरे साथ ही उठ जाता है। क्या मजा आ रहा है कि मैं उठ के कुछ कर लूं और ये बाद में उठे ही मेरे साथ ही उठ जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। नहीं मानना जी? गुड मॉर्निंग जी। तो कैसे हैं आप सब? आज है हमारे हॉलीडे का थर्ड डे और मॉर्निंग हो चुकी है। और मुझे देख के सच्ची इतनी टायर्ड सी हूँ देखने में भी। तो पता नहीं, मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली नींद नहीं आ रही है, अनकंफर्टेबल सी रहती हूँ। तो ना अलार्म लगाया होता है तो ये तभी उठ के फ्रेश होती हूँ। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना है। और क्योंकि हस्बैंड, मेरी प्लानिंग ये होती है कि मैंने क्या उठ के बनाना है, क्या करना है, और हस्बैंड की प्लानिंग होती है कि उन्होंने कहाँ लेके जाना है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वो अभी से प्लान बना रहे, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे घर में ही प्लान्स कर लिए थे, लिस्ट बना ली थी। इस डे पे यहाँ पे जाना, इस डे पे यहाँ पे जाना, इस डे पे यहाँ पे जाना, ये डे फ्री है। ठीक है, और इसके साथ मेरा ये होता है कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, बच्चों के जल्दी जल्दी से पैक करना है, इनको रेडी करना है और फिर निकलना है। और जैसे कि कल का टाइम था, बीच पे जाना था, तो 9 बजे उठे थे। मीन वो अलार्म लगाया था मैंने, क्योंकि टाइम रात को नोटिस कर लेते हैं कि किस टाइम पे निकलना है। ठीक है, उस हिसाब से मैं अलार्म लगा लेती हूँ, फिर मैं उठ जाती हूँ। तो आज का फिर थोड़ा सा जल्दी है, तो फिर जल्दी अलार्म लगाया। अभी 8 o'clock में, 8 o'clock में। तो इस तरह से अभी मैं उठ के फ्रेश होंगी और फिर जाके ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है मैंने, लेट्स सी। और कल का डे तो मेरा अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला बहुत मज़ा आया था, अच्छा रहा था, शुक्र अल्लाह का। और आज देखते हैं कहाँ जाना है और क्या करना है और कैसा रहता है हमारा आज का डे। तो बस आप लोग भी पहले की तरह मेरे साथ रहिए, आप लोगों को भी घुमाती हूँ और खुद भी। तो चलें जी, फिर उठ जाती हैं जी, देर नहीं करते। उठ जा, क्या तो उठ गया, ये भी उठ गया है। लुक, उठ गया उठ गया उठ गया। चलो जी, ओपन द डोर। चलो आप जाओ पापा के पास, या गो टू पापा, मैं फ्रेश होके आती हूँ जी। तो अभी आई हूँ किचन में, तो क्वाइट सा नाइस है। उबैदला भी उठ गया था, इंशा सो रही है, और हस्बैंड बाहर गए वॉक पे और रबिश फेंकने, क्योंकि वो एक सेपरेट प्लेस बनी हुई, वहाँ पे रबिश जाके फेंकते हैं खुद से। और यहाँ पे जो फिश एंड चिप्स हम खाते होते हैं ना, तो 7 बीट्स मिलती है ये क्रिस्पी, तो मैं ले आई थी कि मैं जो योगर्ट रायता बनाऊंगी ना उसके अंदर ऐड कर लूंगी। तो बाकी जो थे वो मैंने बिन में डाल दिए। तो और जी साथ में मैंने रख दी चाय, लेकिन ना ये देखिए इस तरह के स्टील के इनके बर्तन थे, और फ्राई पैन में भी मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। वो तो मैंने न्यू ले लिया, सोल्यूशन निकाल लिया, लेकिन अभी ये चाय मैं इसमें बना रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा स्टिक हो रहा था, मज़ा नहीं आ रहा बनाने का चाय, लेकिन लो फ्लेम पे भी। तो बस आज मौसम बड़ा प्यारा है, तो हस्बैंड ले थे, हस्बैंड और बच्चे कल गए थे शाम को, ब्लू बेरीज ले आए थे यहाँ पे एरियाज में, फ्रेश मीन ट्री से तोड़ के लेके आते हैं, और काफ़ी सारे लेके आए थे, और इतने जूसी, इतने मज़े के हैं, फ्रेश सीरियसली, इतनी मज़े की खुशबू भी और टेस्ट भी। मीन ट्रीज लगे हुए हैं, तो मीन जाके तोड़ के लेके आए हैं, और मैंने तो इतने मैं नहीं लाइक करती, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं फ्रेश वाले। और मौसम बड़ा ही अच्छा है आज का, हमने सोचा चलें जी बाहर करते हैं बैठ के ब्रेकफास्ट। तो क्योंकि आज अली जाना है, तो अली भी ब्रेकफास्ट खाने का, कुछ खाने का दिल भी नहीं करता, सिर्फ फ्रूट्स ले लिए थे, ईशा ने कॉर्नफ्लेक्स, और मैंने और हस्बैंड ने बना लिया था टोस्ट और ऊपर हनी लगा के, तो वही बस खाएंगे लाइट सा। लेकिन चाय तो मुझे ज़रूर चाहिए होती है, चाय पीती हूँ तो एनर्जी आती है, मीन फ्रेश हो जाती हूँ इसलिए।
तो बस जी, मैंने टोस्ट बना लिए थे हनी लगा के। कुछ ज़्यादा खाने का दिल नहीं था क्योंकि अर्ली जा रहे थे, तो अर्ली वैसे भी इतना खाने का दिल नहीं करता, तो बस मुझे चाय मिल जाए वो ही इनफ है। ये देखिए, ये मैंने मिक्सर बना लिया था। इसमें मैंने एग्स बॉईल करके और ना चिकन था, चिकन फ्राई करके उसको मैंने ना कर लिया था बेहतरीन, मेयोनीज डाल के उसको मिक्स करके बना के रख दिया था फुल करके। ये रोज सैंडविच जिसने बनाने हो तो वो बना लेते, नहीं तो चूना सैंडविच बना लेते हैं। तो इस तरह से ये चल रहा होता है। मैंने कहा मैं भी जल्दी से थोड़ा सा अपने लिए सैंडविच बना लेती हूँ, मुझे इसका पसंद आता है चूने का नहीं, दैट्स व्हाई। तो ये बना लेती हूँ। ये ब्रेड लेके आए थे ना, ब्राउन ब्रेड, ओके चले आज इसमें लगा लेती हूँ। मेरे सैंडविच तो रख ला, आ देखो बेहतरीन, मैंने आते ही मिक्सर बना दिया था, देन टेंशन नहीं होगी, लुक इजी बिजी। ये आपको आइडियाज दे रही हूँ, एम ही नहीं। तो इस तरह से ना आते ही बना। हाँ खजूर भी, खजूर रखे हैं, नट्स भी रखे हैं। हाँ नट्स, खजूर, सैंडविच, चूना सैंडविच, एग सैंडविच, एग मर सैंडविच, ये लंच के लिए बेटर रहते हैं। तो ये मैंने आते ही बना लिए थे मिक्सचर, इतना काम आ गया। देखते कब तक चलता है जी। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी, यस। अच्छा मुझे हो रहा था कि मैं ना स्काफ आज और तरीके से ले लूँ, वो करना चाह रही थी, लेकिन ना वो पिंस नहीं थी मेरे पास। मैं गिनी चुनी पिंस लेके थी, मीन कलर, अगर येलो या वाइट कलर होता ना फिर मैं यहाँ लगा के कुछ और डिफरेंट स्टाइल से करती। खैर मैंने कहा यही ठीक है क्योंकि ये सूट करता है तो ठीक है। तो इसलिए जी मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा ड्रेस येलो, अगर नजर आ रहा हो तो, लॉन्ग मिरर नहीं है इसलिए ये वाला। ये मैंने सेंसबरी से बाय किया था जो शॉपिंग की थी लास्ट, तो ये मुझे 10 पाउंड में आई थिंक मिला था, या 10 पाउंड में मुझे ये मिला था, बेहतरीन कम्फी। हाँ भी ये था कि इसके स्लीव्स हाफ हैं और मुझे ना हाफ स्लीव्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मीना बाजू नंगा होता है तो इरिटेट करता है मुझे। तो मैंने बहुत ट्राई की थी अपने फुल स्लीव टी शर्ट ढूंढने की, लेकिन वो मुझे कोई शर्ट मिली नहीं थी, ना यहाँ से मिली ना वहाँ से मिली नहीं। चलो जी वेयर कर लेते हैं ऐसे वो, क्योंकि मुझे अनकम्फर्टेबल सा रहता है, मुझे ना अपने आर्म्स इस तरह से अच्छे नहीं लगते। खैर बाय द वे कैसी लग रही हूँ, अच्छी तो लग रही हूँ। ओ और जी साथ में मैं शू पहन लेती हूँ, ये भी शूज सेंसबरी से ही लिए थे मैंने, ये भी 10 पाउंड के मिले थे। मैंने कहा था चले थोड़े से शू कम्फी से हो पहन लेती हूँ। देखते हैं कैसे हैं, वॉक इसी होती है इजी या नहीं। हाँ ये है, बिल्कुल भी हील नहीं है नीचे, थोड़ी सी हील होती ना तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल रहते। चले मुझे कलर अच्छा लगा था, हस्बैंड को पसंद आए थे तो नाइस है ना, मैं मैचिंग हो गए। चलें जी मैं हो गया रेडी, बच्चे हो गए रेडी, बस अभी जाके थोड़ा सा टाइट अप जल्दी करती हूँ। बैगे शगर में रिंग शिंग कुछ नहीं लेके आई थी। खैर बाय द वे हॉलीडेज पे ऐसे ही होता है। चलें जी बैग, चलें जी बैग रेडी, बैग हो गया। ओहो ये हो गया बैग, हो गया रेडी। चलें जी बाहर मिलते हैं। वेलकम टू द मिनट फिटर। ब्यूटीफुल व्यू, वाव। अभी तो आगे जाना है, नीचे जाना है। लेट्स सी वहां पे क्या क्या है। बदल वेट मिस, पापा पापा के साथ रहो, वेट कर। नाइस या बदल वेट। चलें जी तो यहाँ से चलते हैं नीचे, डाउन जाना है और ये जगह बड़ी ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग प्लेस थी। लास्ट टाइम जब हम आए थे 2 ईयर बिफोर तो तब इसके साथ बीच था, तो उस बीच पे हम गए थे, लेकिन इस दफ़ा इस बीच पे नहीं जाने का, वो हमने और बीच पे गए थे
और फिर ये प्लेस रह गई थी क्योंकि तब हमें पता चला था कि टिकट्स लेनी पड़ती है और इनका कोई टाइमिंग है, तो फिर वो रह गया था। तो इस दफ़ा मैंने कहा था कि नहीं, मैंने तो इस प्लेस पे जाना है और देखना है और खूब सारी अल्लाह ताला की सीनरी को एंजॉय करना है, और स्पेशली जैसे इन्होंने बनाया है ना, इट्स अमेजिंग। ये देखिए ऊपर से आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, और सीरियसली इतनी खूबसूरती से इन्होंने बनाया है कि मैं हैरान होती हूँ कि इन्होंने बनाया कैसे है। मीन सीरियसली इतने लोगों में टैलेंट है जिन्होंने ये सोचा और जिन्होंने ये डिज़ाइन किया, जिन्होंने ये बनाया। साथ में बीच है तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसा नाइस है बेटा, नाइस ना, गुड डाउन। और यहाँ बना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे और नीचे जाना था। शुक्र है कि मुझे हस्बैंड ने पहले से बता दिया था कि वॉकिंग शू पहन लेना, और यहाँ पे स्ट्रेस शुक्र है कंफर्टेबल थे। मीन मिक्स टाइप के स्टेयर्स थे और ऊपर से देखना बहुत डिफरेंट लगता है। थोड़ा सा मैं आपको फ्रंट से भी दिखाऊंगी। और ये है कि हैंड रेल्स लगी हुई थी तो इजी रहा, तो बस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और यहाँ से काफ़ी नीचे था, शायद यहाँ से फील ना हो रहा हो लेकिन ये काफ़ी नीचे था, और बहुत सारा नीचे जाना, और स्टेयर्स आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के हैं। बट नाइस, इस ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे अगर आप आना चाहें ना तो डेफिनेटली आ सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरी तरह अगर आप कॉर्नवाल जाएं और ये जगह मिस कर दें, नो नो नो। पता क्या, वैसे एक बात ये भी है कि टिकटॉक पे बहुत कुछ इस दफ़ा अब देखने को मिलता है, प्लेसेस डिफरेंट डिफरेंट। तो वहाँ पे भी ये जगह मैंने देखी थी, और हस्बैंड ने भी, उन्होंने कहा वाओ कि यहाँ पे जाना तो बनता है, लास्ट टाइम अगर रह गया था तो। बहुत प्यारा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जाना और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आना। बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है, आपको वैसे ही लग रहा है। अभी थोड़ा सा मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। वो ऊपर से आए हैं। ओ सॉरी सॉरी, वो ऊपर से आए हैं। जी तो इस ब्यूटीफुल व्यू में अगर कोई फोटोशूट ना करे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, देखिएगा जी। तो ये मैन मीन अबाउट इसके, ये कैसे था, कैसे बना, क्या हुआ था, उसके अबाउट सारी स्टोरी बता रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और इसके साथ ही यहाँ पे कोई थिएटर ड्रामा वगैरह भी होता है, लेकिन उसका टाइमिंग कुछ आई थिंक नाइट का था, कुछ टाइमिंग होती है, अपॉइंटमेंट वगैरह बनानी पड़ती है। खैर ये वाली जो मेरी थोड़ी सी विश थी कि अगर कॉर्नवाल जाना तो यहाँ पे मैंने ज़रूर जाना है, जो मेरे हस्बैंड ने पूरी किया है। और इसलिए अगर कोई कॉर्नवाल आए ना तो इस जगह, इस प्लेस पर ज़रूर आइएगा, इज़ ब्यूटीफुल। और यहाँ पर प्रॉपर स्टेज बने हुए हैं बड़े प्यारे से, जैसे हम सिनेमा में बैठे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो मीन आराम से बैठ के आप ब्यूटीफुल व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। ये देखो जी, इधर ब्रंच चल रहा है, ब्रंच ब्रंच टाइम। क्या खा लियो बच्चों? हाँ खा लो खा लो। हाँ जी एंजॉय। तो यहाँ पर ये देखें जी, हम आपको कहीं नज़र आ रहे हैं अगर जूम करके देखें तो, वो देखें जहाँ पे कैमराज ही कैमराज लगे हुए हैं और लाइटिंग्स ही लाइटिंग्स लगी हुई हैं। और इमेजिन करें रात में ये कितनी ज़्यादा यहाँ पे जगह ब्राइट होती है। और वहाँ पे भी लोग क्लिक्स वगैरह बना रहे थे, फोटोज़ वगैरह शूट कर रहे थे, तो हमने भी बनवाई बेशक। और यहाँ पर वैसे हवा भी चल रही थी और धूप भी थी, और मीन इज़ ऑसम सीरियस। तो वहाँ से निकल आए हैं एंजॉय शुजॉय करके, तो अभी बच्चों को खाने आइसक्रीम, और अंदर जो कैफ़े थे वो क्लोज़ हो चुके हैं। वैसे इसकी टाइमिंग भी आई थी 1 o'clock तक है, हाँ 1 o'clock तक। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा डाउन जाते हैं, वरना यहाँ बैठ के बहुत सारा बैठने को दिल था। बच्चों को खाने आइसक्रीम, वो आइसक्रीम है डाउन हिल, तो वहाँ से लेनी है, फिर अब गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जाओ और फिर इतना ऊपर आओ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह, वरना इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा है, नाइस नाइस सा इन्वायरमेंट है, जाने का दिल नहीं करा, लेकिन बच्चे हैं ना माशाल्लाह, बच्चों को चाहिए आइसक्रीम, बच्चों के साथ ही बड़े भी।
तो इसलिए जाना पड़ रहा। अंदर वाले सारे कैफे क्लोज हो चुके हैं, आई डोंट नो व्हाई अली क्लोज हो गए। चलो अभी चलते हैं। फाइन, थैंक यू एंड सेफ जर्नी स्टेइंग अराउंड, प्लीज मूव योर कार टू आर लोकल कार पार्क। अच्छा टाइमिंग थी ना, टाइमिंग फिनिश हो चुकी है। क्या हुआ है टायर का? ऑलराइट, हाँ जी हाँ जी, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं है, आई डोंट नो आपको ज्यादा पता। We've been here how long now? 11, 12, 1, 2 hours, isn't it? And it's still the same, looks the same. हाँ, इसको same है. So I'm happy with it. I'm not gonna. हाँ जी हाँ जी. I think Mazen वो क्या कह रहे थे वहाँ तक पहुँच जाए ना तो फिर वहाँ से हो जाएगी. Present से. हाँ present. देखिए देखिए first I want to pump up the tyre. Tyre वैसे एक्सर गाड़ी में पड़ा है ना बहुत में. Yes, but that's not a full pump up tyre. It's a temporary tyre. अच्छा हाँ चल इंशाल्लाह ताला. No, sometimes what I do is I'll just pump you up. Pump you up and then see how it goes. If it goes out again, then I know I've definitely got a problem. Yeah, I don't expect £200 on a new tyre. Oh Allah, £200 teri khair ho gaye. Chalo bacho baitho, badla stand up. Badla stand up, chalo inshallah. Open the door. Sit down. Okay, sit down. Ice cream khani chalo. Bas ye na ke Allah Taala dhyan se wahan tak pahuncha dena phir theek hai. Badla go. क्योंकि रास्ते भी ऐसे हैं ना। तो मैं इसको पिक कर लूंगा। अच्छा गो। अरे बच्चा, आइसक्रीम आइसक्रीम। चलो जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा तो यहाँ पर क्योंकि बच्चे सो चुके थे और क्योंकि बैदला नैप नहीं लेता था तो गाड़ी में बिठाना तो दोनों बच्चे सो जाते थे, देन वो सो गए थे तो फिर हमने फ़ायदा उठाया, हमने सोचे चले जी यहाँ से थोड़ी सी मेरे टायर्स को हवा से फील करते हैं और बाकी अल्लाह के हवाले। और दूसरा ये कि फिर बस फिर बच्चे उठ चुके थे, फिर आइसक्रीम वगैरह खानी थी और फिर वहाँ आइसक्रीम प्लेस पर आ गए थे क्योंकि अच्छा है बच्चे जब सो जाते हैं ना तो थोड़ा सा सुकून भी आ जाता है और साथ में ना टाइम भी गुजर जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो हमने आइसक्रीम खानी थी ना वो वहाँ पर थी नहीं, वो मिल बंद हो चुके थे, उनकी आइसक्रीम फिनिश हो चुकी थी। तो फिर हमें दूसरी प्लेस पे आना पड़ा थोड़ा सा क्रॉस करके, तो वहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे तो बड़ी मज़े की आइसक्रीम लग रही है भाई। तो बस अपना अपना फ्लेवर लेना। मैं तो आजकल ना हैजमर से मैंने देखा है वो एक है सॉल्टी कैरमल, वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ी सी डिफरेंट ट्राई करूँगी। तो जी मैंने तो लिया है बिस्कैफ और वो भी थोड़ा सा डिफरेंट मैं ट्राई करती हूँ। तो बस यहीं पर चलते फिरते खाएँगे क्योंकि थोड़ी सी मेल्ट भी हो रही थी और वाकई बड़ी ज़बरदस्त थी आइसक्रीम और धूप में तो वैसे भी अच्छी लगती है। तो अभी जाना है लॉज वापस। पूरा हो गया यार, वैसे पूरे हो गया ना। हॉलिडे सक्सेस। घर आ चुके हैं और मैंने अपना चेंज कर लिया है कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए था। और तो आज हस्बैंड डिनर बना रहे हैं तो मैं थोड़ी सुन के हेल्प कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पोटैटो लेके आए थे, बेबी पोटैटोस। इसमें मैं लाइट से डालूंगी ऑयल, बेक करने इनको। और मेरे पास ये ग्रीन सॉस था, ये लेके आई थी, तो ये भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। माइस वगैरह थोड़ा सा इनको बाउल करना है। जी यहाँ पे भी ये काम करने पड़ रहे हैं, देख लो। आप भी रखनो अमन में है?
कवर करके ये देखें ग्रीन ग्रीन टटर्स वो मैं रखूंगी बच्चे। हाँ ये हो गया चलें जी। और साथ में मैंने सोचा था मैं लेके आई थी सैलड, मैंने कहा चिकन के साथ हो जाएगा सैलड थोड़ा सा क्यूकम्बर कटिंग करना है। वो बाबी क्यू कर रहे हैं। यस कहाँ हो रहा है बाबी क्यू? किधर हो रहा बाबी क्यू दिखा दो, किधर हो रहा? ये देखे स्टैंड वगैरह वहां से मिल गए थे, स्टैंड पे रख के छोटे छोटे से बाबी क्यू डिस्पोजिबल, ये डिस्पोजिबल बाबी क्यू लेके आए थे तो बेहतरीन। वहां पे क्या बनना है? ये बाबी क्यों एवी नहीं हो जाता, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। देखे चमचे चमचे चूल्हे शूल्हे मासा मूसा सारा कुछ जी। तो आज बनाया है हस्बैंड ने स्पेशली सा डिनर जो कि हमारे पहले से प्लान में था, और आज का स्केड्यूल भी यही था कि आज जल्दी थी जहाँ पे गए वहाँ से वापस आए, फिर टाइम था काफी। पेटो बस करो कमो खाना खाना, इसलिए फिर टाइम से आ गए थे। देन बच्चों ने जंप लगाया हॉट टब में, और मैंने भी प्लेट्स वगैरह सेट की, रायता वगैरह, राइस वगैरह गर्म किए, सैलड वगैरह बनाया, पटाटो रखे हुए हैं, सच वो मुझे भूल गए, वो मैं लेके आती हूँ। इस तरह से हस्बैंड बारबेक्यू कर रहे हैं और साथ में जूस, और बस आज होगा नाइस ए फैमिली डिनर, और फैमिली के लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इंस्टा को टॉवल के साथ रैप कर दिया मैंने, और क्योंकि ये होता है कि हॉट टब ऑलरेडी रेडी ही होता है, तो बस उसमें जंप लगाने की देर है। ये है कि बच्चों के कपड़े में अंदर हॉट टब से निकलते हैं, फिर उनके कपड़े वगैरह निचोड़ के ड्राई होने डालते हैं, फिर दूसरे कपड़े पहनाते हैं ड्राई करके, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, लेकिन इट्स ओके। तो बस ये तो सब चलता है, और बस लाइट सा म्यूज़िक लगाया हुआ था, और आई थिंक अब भी तो शायद नॉइज़ ज़्यादा नहीं आ रही आवाज़ उसकी, कहीं यूट्यूब वालों को सुनाई देगा ना तो उन्होंने ज़रूर मुझे ना कॉपीराइट क्लेम लगा देना है। और ये है कि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, हमारी तरफ से आज का व्लॉग होता है यहाँ पे दी है, तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला कल न्यू डे के साथ, न्यू वाइब्स के साथ, न्यू स्माइल के साथ, न्यू थिंग्स के साथ दोबारा से मिलेंगे, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।